नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जीन पेट्रोल पंप के समीप बीती रात्रि सड़क हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला देखने को मिला है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उमरिया से ब्यूरो चीफ प्रदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपसे पूरा मामला विस्तार से जानना चाहेंगे कि कैसे मानवता शर्मसार हुई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का पूरा मामला है। बीती रात्रि अज्ञात वाहन की ठोकर से चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। जहां इस मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है, लेकिन इसमें खास बात यह सामने आई है कि यहां पूर्व दिनों की तरह है, इस बार भी चारों लाशों को नगर पालिका के कचरा वाहन में रख करके और सब को ले जाया गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ मानवता शर्मसार नजर होते आई है। प्रदीप, एक सवाल निकल कर आता है कि जनप्रतिनिधि इस और क्यों ध्यान नहीं देते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? इस क्षेत्र में लगातार क्षेत्र की विधायक मीना सिंह और पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। उमरिया जिले से सांसद ज्ञान सिंह लगातार सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं श्री नारायण सिंह लल्लू, वो भी यहाँ विधायक हैं, लेकिन उमरिया जिलों में विकास को लेकर के उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। खासकर ऐसे मामलों में जहाँ मानवता का नुकसान हो, ऐसे मामलों में समाज हित के लिए इनको कदम उठाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं समाज के लिए ये बहुत हित का काम है कि उनके द्वारा कोई ऐसा योगदान किया जाना चाहिए जिसमें सबों को अपने वाहन में या सौ वाहन में ले जाया जाए, कचरे वाहन में न ले जाया जाए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरह की घटनाओं पर कब अंकुश लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।